अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो इसलिए कि आज मैं आपको एक ऐसी दरख्त दिखाने लगा हूँ जो आज से कोई 100 साल पहले उसे जंजीरों में जकड़ा गया था और आज तक उन्हीं जंजीरों में उसे जकड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर एक मौजूद एक मैनुअल घड़ी है, क्लॉक, जो सूरज की रोशनी से टाइम बताती है आपको। इसकी ख़ास बात एक और ये भी है कि एस जैसी घड़ी दुनिया में सिर्फ एक और है, और वो है यूरोप में, जर्मनी में शायद किसी जगह पे इंस्टॉल है। लेकिन इस घड़ी और उस घड़ी में फ़र्क ये है कि ये आज तक ऑपरेशनल फंक्शनल है, मतलब आज तक ये उसी तरह टाइम बताती है जिस तरह ये कोई 100 साल से जहाँ पे ये नस्ब है इंस्टॉल्ड है। 100 साल पहले जिस तरह ये टाइम बताती थी उसी तरह ये आज भी बताती है। और जर्मनी में जो घड़ी है वो घड़ी ख़राब हो चुकी है, वो टाइम नहीं बताती। और इसके अलावा मज़ीद वहाँ पे कई चीज़ें हैं तारीखी, वो सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक वक्त पर पहुँचती रहे। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। 123 साल से गिरफ्तार ये दरख्त और 98 साल से नसब ये घड़ी देखने के लिए हम मंडी कोतल आर्मी कैंप में मौजूद खैबर राइफल के ऑफिसर मीस जाने लगे हैं। खैबर राइफल मीस में एंट्री के लिए आपके पास किला बलाहिसार से स्पेशल परमिशन दरकार होती है, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर पर होने की वजह से ये काफ़ी हसास इलाका माना जाता है। पेशावर से जाते हुए कोई घंटे पर ड्राइव करने के बाद हम आर्मी कैंप लंडी कोतल पहुंच गए, जहां मेन चेक पोस्ट पर हमें काफ़ी देर तक वेरिफिकेशन के लिए रोक दिया गया। वेरिफिकेशन के बाद हमें क्लियर करार देकर अंदर जाने की इजाज़त दी गई। दीगर फौजी चौनियों की तरह लंडी कोतल आर्मी कैंप भी काफ़ी साफ सुथरा और हर चीज़ वेल मैनेज था। एक पुरसकून माहौल में हर कोई अपने अपने कामों में बराबर मशगूल था। आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, आसमान पर कहीं कहीं बादल मौजूद थे। और इसी दौरान हम खैबर राइफल ऑफिसर मीस में दाखिल हुए। पहली नज़र इस बदकिस्मत दरख्त जो 123 साल से जंजीरों में जकड़ी रखी गई है पर पड़ गई। हुआ कुछ यूँ कि आज से पूरे 123 साल पहले यहाँ एक अंग्रेज फौजी ऑफिसर ने काफ़ी शराब पी रखी थी और नशे की हालत में उसे इस दरख्त को उसकी तरफ आती हुई और उस पर हमला करती हुई महसूस हुआ,
जिस पर उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने मौके पर मौजूद सिपाहियों को इस दरख्त को जंजीरों से बांधने का हुक्म दिया और तब से लेकर आज तक ये दरख्त एक नाकर्द जुर्म की सज़ा काट रही है। इस दरख्त के पास एक मैनुअल घड़ी नसब है जिसे आज से तकरीबन एक सदी कबल इस मुकाम पर नसब किया गया था। ये घड़ी दो जुहात की बिना पर बहुत अहम या ख़ास है। एक ये कि इस जैसी घड़ी दुनिया में सिर्फ एक और है, मगर वो भी ख़राब हो चुकी है, यानी टाइम बताने की काबिल नहीं रही। और दूसरी बात यह कि यह घड़ी एक मैनुअल तरीके से सूरज की रोशनी से टाइम का तयन करती है और सेकेंड के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है। उसको कहते हैं क्या? सन सन डायल सर, उन्हें सोता इस जगह पे लगे हैं सर। ये ऊपर इसका घंटे हैं और ये इसका तारीख है और ये 12 महीने इसमें पूरे हैं। इसमें से ये दो चीज हमने सेट करना है, उसके बाद सर ये लाइट जो है ना सूरज के सेट पे करना है। अभी है आज दिसंबर की 15 तारीख, ये हो गया सर 15 पे। उसके बाद ये सूरज जिधर भी सूरज है ना उसके साथ सामने करना है, वो रोशनी निकलते सर इस लकीर पे जो बराबर होते तो आपको टाइम देते हैं। आज आ सर, देखो सर अभी इधर साया है, छोटा सा डॉट आ गया ना सर, नजर आ गया ये डॉट, वो आ गया सर। अभी सर ये टाइम है हमारे पास 3:30 होंगे सर, ये इसका घंटे है भाई और ये इसका मिनट। देखो भाई ये दिसंबर था और ये इसकी डेट्स बनी हुई है। कॉन्सेप्ट कैसे बनाए हुए थे। नाइस भाई। यहाँ 120 साल से एक कुत्ते जिसका नाम मिकी था की कब्र भी मौजूद है जो इस कैंप की रखवाली करता था और 1904 में मरने के बाद इसको यहीं पे दफन किया गया। इस म्यूजियम के अंदर काफ़ी तारीखी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की लिखी गई यादाश्तें भी मौजूद हैं जिन्हें अप्रैल 1948 को उन्होंने यहाँ के दौरे और क़याम के दौरान लिखे थे। म्यूजियम में मौजूद लेडी डायना के लिए तैयार की गई एक बेडरूम भी काफ़ी अहमियत की हामिल है जिसमें उन्होंने स्टे किया था।
कमरे में मौजूद उसकी लिखी गई याददाश्तें आज भी मौजूद हैं। वापस जाकर उसने इस कमरे के लिए इंग्लैंड से एक अदद टेलीफोन सेट और अपनी एक तस्वीर गिफ्ट किए थे जो आज भी इस कमरे में मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम में सैकड़ों की तादाद में कौमी और बेनुल अक्वामी लीडरशिप, फौजी ऑफिसर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम्स, सफारतकारों और दीगर आला अहलकारों की तस्वीर आवेज़ा हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक अदद लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन को लेकर। तब तक अल्लाह हाफिज़।